लिख लिए। आप लोग घर पे प्रैक्टिस किए होंगे सिलोगिज्म का? नहीं किए? वो गेट सटा दो, तो पूरा गेट सटा दो। तुम हैं सिलोगिज्म समझ में नहीं आता, बेन डायग्राम से भी समझ नहीं लगा। हाँ तो बता तो रहे, अभी सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस पर। उतना आसान वेन डायग्राम से ही बन गया होता तो हम ये बताते आपको? नहीं बताते ना, तो कुछ बात है इसमें। इसीलिए जितना आपको आसान दिखता है उतना होता नहीं है सिलोगिज्म, कई बार आपको फंसाएगा वो, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन में फंसना नहीं है, अगर ये सब में फंसोगे तो रिजल्ट लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो सदा सदा के लिए वो याद रहेगा, सदा के लिए। चलिए, इसमें जो ए जो लिखा हुआ है ना, तो ए फॉर ऑल होता है, इसका मतलब सभी वाला जो सेंटेंस होगा उसके लिए ए का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे रहे सभी किताब कलम है, तो वो ए टाइप का सेंटेंस हुआ। सभी वाला जो रहे वो क्या हो जाएगा? ए टाइप। उसके बाद जिसमें ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। जब रहे कोई किताब कलम नहीं है तो वो सेंटेंस ई वाला हुआ। कोई किताब कलम नहीं है, वो सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? ई वाला। सिंबल दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आई होता है कुछ, जैसे उसमें रहता है ना कुछ किताब कलम है, तो उसके लिए अगर वो सेंटेंस है तो उसके लिए हमने यहाँ पे आई सिंबल दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं भी रहता है एक में क्या रहेगा? कुछ नहीं। जैसे रहेगा कि कुछ किताब कलम नहीं है, कुछ किताब कलम नहीं है, तो वो सेंटेंस ओ टाइप का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओ टाइप का। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और आपस में कटना चाहिए, उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे ये सब लोग लिख लिए, जैसे उस दिन पहला क्वेश्चन जैसे हमने बताया था, कुछ क्वेश्चन हमने करवाया था ना उस दिन, सभी चिड़िया फल वाला बताए थे। देखिए पहला कथन क्या है कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। सभी चिड़िया फल है, क्वेश्चन है सभी चिड़िया फल है, कुछ फल सब्जी है, ठीक है, कुछ फल सब्जी है। और निष्कर्ष आपका दे दिया है कुछ चिड़िया सब्जी है। दूसरा है कुछ सब्जी फल है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस दिया गया। अब बताइए ये कौन सा टाइप हुआ, ये कथन वाला कौन सा टाइप हुआ, इसमें से बताइए। तो पहला सभी हो गया तो यानी ए, और दूसरा कुछ है तो आई। कुछ वाला क्या है? आई है ना, यहाँ देखिए कुछ वाला क्या है? आई है, ए आई है, ए आई है, क्या है? ए आई। ए आई रिजल्ट क्या देगा? नो डिफाइन, आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यानी अगर ये दोनों लाइन से अगर कोई निष्कर्ष निकाल के आपको ऑप्शन दे रहा है वो गलत होगा। ए आई नोट कंक्लूजन, नोट रिजल्ट देगा, नोट डिफाइन। कुछ भी ऐसा रिजल्ट दोनों मिला के बन ही नहीं सकता, क्योंकि अभी रुक जाओ, दो सेंटेंस का यूज करके निष्कर्ष निकाला होगा तब तो, एक ही में दिया होगा तो क्यों नहीं बनेगा। जैसे यहाँ दिया सभी चिड़िया फल है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ना कुछ फल चिड़िया है, नहीं सभी का कुछ में तो बदल सकता है। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इसका एक का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट दोनों मिलना चाहिए, उसको काट लीजिएगा। ये फल है, ये क्या है? यहाँ फल है। एक का ऑब्जेक्ट और एक का सब्जेक्ट आपस में सेम होना चाहिए और मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो उसको उलट पुलट करके मिलाएंगे,
कैसे मिलाएंगे, क्वेश्चन आगे हम बताएंगे आपको। फल फल कट गया, फल फल कट गया, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट आपस में कट जाना चाहिए, मिलना चाहिए, सेम कट गया। अब देखिए यहाँ सभी चिड़ियाँ और कुछ सब्जी, सभी और कुछ रिजल्ट क्या देता है, नो डिफाइंड। तो इसका रिजल्ट कुछ भी बने बनाइएगा, दोनों मिला के सभी चिड़ियाँ सब्जी है वो भी गलत होगा, इसका रिजल्ट आपका बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे है देखिए, चिड़ियाँ और सब्जी लेके बनाया तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि चिड़ियाँ यहाँ सब्जी दोनों का जब रिजल्ट आप निकाल ही नहीं सकते तो कुछ भी सब्जी चिड़ियाँ मिला के बनाया होगा तो क्या होगा, गलत होगा। अब है कुछ सब्जी फल है, चूँकि यहाँ पे सब्जी वाला जो है और फल वाला एक ही लाइन से ले लिया गया है, फल यहाँ सब्जी यहाँ, तो कुछ में हम आपको बताए थे जैसे कुछ किताब कलम है तो उसको बदल करके हम कुछ कलम किताब भी लिख सकते थे, वेन डायग्राम से बताए थे ना, जैसे कुछ किताब कलम है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कुछ कलम किताब है। तो यहाँ पे जैसे कुछ फल सब्जी है उसको बदल के लिखा जा सकता है कुछ सब्जी फल है, वही निष्कर्ष में दिया कुछ सब्जी फल है तो बिल्कुल सही हो गया, यानी एक ही कथन का निष्कर्ष ये दे दिया था, इसी को उलट पुलट किया तो कुछ के केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपका पहला गलत दूसरा सही, इस विधि से बना दिए। और आपको उस दिन हमने वेन डायग्राम बताया था, सभी चिड़ियाँ फल है, सभी चिड़ियाँ बना लीजिए, सभी चिड़ियाँ क्या है, फल है, फल बना दिए सभी चिड़ियाँ को। अब कुछ फल सब्जी है, अब वेन डायग्राम से भी देखिए वही रिजल्ट आएगा, कुछ चिड़ियाँ सब्जी है, कुछ चिड़ियाँ सब्जी है नहीं है तो गलत हो गया, कुछ सब्जी फल है सही हो गया। आप दोनों विधि से बनाइएगा रिजल्ट सेम ही देगा, बशर्ते जो क्वेश्चन वेन डायग्राम से नहीं बन रहा है उसको आप टेबल वाला जो ये डाटा है उससे बनाए, कहिएगा अब एग्जाम में ये याद कैसे रहेगा, सबसे बड़ी बात है, यहाँ हम टेबल देख लेंगे वहाँ कैसे देखेंगे, तो आपका प्रैक्टिस करते करते ये सही हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कम से कम 100 क्वेश्चन बनाइएगा चैप्टर का, आपको याद हो जाएगा सभी 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 रिजल्ट क्या देगा, सभी। जब दो कथन में सभी सभी रहे तो उसका सभी में रिजल्ट दिया है निष्कर्ष तभी सही होगा, नहीं तो अदरवाइज में गलत ही होगा। पहला में अगर सभी है दूसरा में कोई नहीं है तो उसका रिजल्ट आपका कोई नहीं में आएगा तो आपका सही होगा, पहला सभी है दूसरा कुछ है तो यहाँ पे नोट डिफाइंड, जो कि अभी वाला आपका केस बन रहा था क्वेश्चन में। फिर है आपका एक में कुछ रहे एक में सभी रहे तो आपका रिजल्ट कुछ में बनेगा, किस में बनेगा, कुछ में बनेगा। अब बताइए जो चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आपको फंसा तो उसको हम टेबल विधि से आपको समझाएंगे, कोई क्वेश्चन अगर फंसा है चैप्टर बनाए होंगे घर पे या दिन काट के आए तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है वो लाइए आपको टेबल विधि से हम समझा देते हैं, और नहीं तो कम से कम टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिए थे वो तो होगा आपके पास, है टेस्ट वाला नहीं बना था ना, अब बनाइए अब बन जाएगा, अब आपको दोनों विधि पता है, लाइए जिनको नहीं बना लाइए क्वेश्चन, लाइए टेस्ट वाला क्वेश्चन, लाइए टेस्ट वाला क्वेश्चन लाइए। देखिए टेस्ट वाला इसलिए नहीं बना कि इसमें ऐसे तो कुछ सभी पोस्टर कलर हो सकते हैं, मतलब भाषा आपको थोड़ा सा घुमाया इसीलिए हो सकना लगा दिया, नहीं इसलिए पहले आप थोड़ा बेसिक पढ़िए तब ये टेस्ट वाला बनाइएगा, पहले आपको बेसिक जो सब क्वेश्चन इस विधि से बना है टेस्ट का जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा सकना लगा हुआ है तो वो पहले आप समझिए, भाषा को भी समझिएगा तब जा करके आपका बनेगा आसानी से। पहले कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको कोशिश करना है वेन डायग्राम का प्रयोग नहीं करना है, ये सब लोग लिख लिए हैं, सब लोग लिख लिए हैं, अब आप लोग कोशिश कीजिएगा बिना वेन डायग्राम बनाए टेबल विधि का प्रयोग करके बनाने, देखो कुछ कुछ नॉट डिफाइंड, कुछ कुछ जब रहे सभी सभी क्या हो जाएगा, सभी सभी और कोई नहीं क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है सभी और कुछ नॉट डिफाइंड, लेकिन कुछ सभी रहेगा तो रिजल्ट कुछ में देगा, कुछ कुछ नॉट डिफाइंड। फिर आपका ये है ये जो सेंटेंस होता है वो
कुछ नहीं वाला, जैसे कुछ किताब कलम नहीं है तो वो टाइप हो गया। ओ रिवर्स हो गया, ये ओ स्टार मतलब जैसे यहाँ पे कुछ किताब कलम नहीं है तो इसी को जब उलट देगा, ठीक है, कुछ कलम किताब नहीं है, तब वह ओ रिवर्स हो गया। इस केस में रिजल्ट कब बनता है, जब पहला क्या रहे कोई नहीं और दूसरा सभी रहे, तब जा करके आपका कुछ नहीं उल्टा रिजल्ट देगा रिवर्स में। अभी क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ लगेगा, कोई नहीं रहे दूसरा कुछ रहे तो रिजल्ट कुछ नहीं में बनेगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ये सब लिख लिए, ऊपर वाला भी लिख लिए थे ना, लिख लिए सब लोग। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग का है आसानी। देखो एक बार समझ जाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, नहीं समझोगे नहीं बनेगा। सब क्वेश्चन वेन डायग्राम से आप 50% से क्वेश्चन ही बना सकते हैं, लेकिन कई बार आपको आप लोग घर पे प्रैक्टिस किए थे, घर पे किए थे, स्लोगन बनाए थे, कौन लोग बनाए ईमानदारी से, इतने क्लास इतने लोग हैं उसमें कौन लोग बनाए थे, एक सब बन गया आपसे। कितना कुछ 15 बन गया था सर, तो समझ में आ जाता था। और कोई लोग, और कोई लोग बहुत पहले 2018 में 19 में 20 पढ़ाए अभी, या तुम 2019 में बना लिए क्या, आप बनाए थे छोटी कुमारी, बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाह कोई दिक्कतें नहीं है किसी को। चैप्टर क्लोज किया जाए, जो नए लोग हैं जो जिनका यह क्लास जो है फर्स्ट या सेकंड है उनको समझ में, हल्ला नहीं करो, यह क्लास जिनका फर्स्ट या सेकंड उनको थोड़ा सा सिलोगी समझने में दिक्कतें आएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दोनों विधि से हम बताएंगे सॉल्यूशन, आपको दोनों विधि से कराएंगे, कोशिश कीजिए समझने का, और नहीं तो फिर जब होगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप लोग घर पे बना करके आते तो हमको कुछ आसान होता। गाय नहीं है, लिखा हुआ गायक है, दिखाई ज्यादा दे रहा है तुमको, क्या रे दिखाई ज्यादा दे रहा है, लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है क्या, अगर इफेक्ट आ रहा है तो लाइट बंद कर देंगे, वो इफेक्ट उस लाइट का आ रहा होगा। अलार्म बजने लगा है, लाइटिंग इफेक्ट, वो ट्यूब बंद करो, तो ट्यूब बंद कर दो, पंखा नहीं बंद करना, ऊपर वाला होगा। पंखे कब बंद कर दो, छोड़ दो बस, ये फैन बंद हो गया, इसको भी होना, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, इसको आप जो है वेन डायग्राम से मत बनाइएगा, ठीक है, इसको वेन डायग्राम से ना बना करके आप इसको टेबल विधि से बनाइए। अब देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, कुछ कुछ रिजल्ट देगा रे, आई आई याद करो, टेबल पढ़ो, आई आई नोट कंक्लूड, जब दोनों मिला के कोई रिजल्ट होगा
वो सही नहीं होगा, वो जब भी होगा तो गलत होगा। यह देखिए गायक है, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट काट देंगे, सबसे पहले काट दिए, रिजल्ट बनेगा कुछ कवि पेड़ है और कुछ गायक पेड़ है, तो कुछ कुछ नोट कंक्लूजन। अगर दोनों मिला करके कवि और पेड़ वाला सेंटेंस का रिजल्ट आप नहीं बना सकते, कुछ कवि पेड़ है गलत, कुछ पेड़ गायक है। अब देखो एक ही सेंटेंस का प्रयोग किया है, सेम जो आपको एग्जांपल बताया अभी पहले वही सेम क्वेश्चन है ये। कुछ गायक पेड़ है तो उसको हम बोल सकते हैं कि कुछ पेड़ गायक है, कुछ के केस में आपका वेन डायग्राम देखिए इसको, ये तो बिना देखिए इससे क्या होगा, टेबल विद दिस आपका फास्ट भी बन जाएगा और थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब वेन डायग्राम में कैसे करेंगे, कवि बना दिए और कुछ कवि को क्या बना दिए, गायक बना दिए, ठीक है, और कुछ गायक पेड़ है और कुछ गायक को क्या बना दिए, पेड़ बना दिए। अब है कुछ कवि पेड़ है, कुछ कवि पेड़ है गलत, कवि पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ गायक है बिल्कुल है, क्योंकि गायक का कुछ पार्ट है ना पेड़ में, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर बोले कवि पेड़ है तो कवि वाले पेड़ टच किया है, नहीं किया, इसलिए इसका रिजल्ट गलत हो गया। तो दोनों विधि से आप बना सकते हैं। हाँ अरे आ रहे हैं ना, दो कथन अभी हुआ है, तीसरा चैप्टर ये अभी शुरुआत नहीं किए हैं। अब आ जाइए, आपका मनोकामना पूरा करते हैं, ये चैप्टर हमको लगता है आप लोगों से बन जाएगा, पहला टाइप आपका बन जाना चाहिए। गलती करते हैं, पिछले बार भी हम बोले आप पूरा बना के आइएगा, जो प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे, लेकिन ना ही आपने बनाया है ना ही आपने प्रॉब्लम पूछा है। अगर प्रॉब्लम है तो अभी भी आपको टाइम दे रहे, पूछ लीजिए इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो लीजिए, जहां आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो, किन्हीं को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो पूछ सकते हैं। पहला टाइप में तब आएंगे नेक्स्ट टाइप पे, जहां तीन स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट तक रहेगा, वो भी सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काटते रहेंगे, बस हो जाएगा। देखो अभी कैसे बन, तुम लोग कमी कमी यही करते हो, घर पे मेहनत नहीं करते, घर पे मेहनत करोगे तो बेहतर होगा, नहीं करोगे तब दिक्कत। क्या रे अंकित कुमार, आता है सिलोगिन कि नहीं, लेकिन घर पे तो पढ़ेगा नहीं, कि एकदम कसम खा रखा है कि कुछ भी हो जाए किताब पलटना नहीं है, बनाना तो एकदम नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये तो सॉल्यूशनों किया हुआ है, कुछ शहर नगर है और कुछ गांव शहर है। चलिए कथन समझने का प्रयास कीजिए, कई बार थोड़ा सा भाषा में आपको फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन उसका मेन सारांश समझिए। कुछ शहर नगर है और कुछ गांव शहर है, गौर कीजिएगा, अगर आप इसको टेबल विधि से बनाइएगा तो अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन गौर कीजिए यहाँ पे इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको उठा करके इसके नीचे रख देंगे, इसको उठा करके ऊपर से क्या कर देंगे नीचे, तब एक का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट मिल गया नहीं, अब वह सेंटेंस कुछ कुछ का ही रहा और ये आपका कट गया। रिजल्ट कुछ 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 बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है, आपका निष्कर्ष लिखे नहीं क्या है। हाँ जब भी काटेंगे पहला का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट, ठीक है, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट, ये नहीं कि पहले का सब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट, तो रिजल्ट ही नहीं बनेगा आपका, गलत हो जाएगा। कम से कम कुछ गांव नगर है, कोई गांव नगर नहीं है। देखिए एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा
एक जो होता है कंप्लीमेंट्री सेंटेंस होता है, या तो आइदर का केस होगा, या तो का केस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में भी जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, अब देखो ध्यान दो। और उस केस में आपका दोनों कथन निष्कर्ष आपका गलत होगा, और आप देखिएगा जो निष्कर्ष होगा उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पे होगा, सेम स्थान पे होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ काट दिए गांव गांव रिजल्ट बनता, कुछ गांव और कुछ में रिजल्ट बनेगा नहीं, तो कोई भी सेंटेंस इसी के गांव और नगर मिला करके यहाँ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह कुछ कुछ का सेंटेंस है। आई नोट कंक्लूजन, और यहाँ पे गांव और नगर की बात कर रहा है, इसलिए यह रिजल्ट बनेगा कम से कम या कुछ नहीं बनेगा। कोई गांव नगर की बात करता है नहीं बनेगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए, गांव नगर सेम प्लेस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों एक साथ दिख रहा है जब ऐसा कंडीशन हो। और देखो कम से कम कुछ गांव नगर है, तो कम से कम कुछ गांव, तो ये कम से कम अपना मन से जोड़ दिया आपको फंसाने के लिए, कम से कम कुछ, उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, कम से कम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना मन से आपको फंसाने के लिए कम से कम लिख दिया। मेन रूप से वो लिखा है कुछ गांव नगर है, ठीक है, और कोई गांव नगर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक कंप्लीमेंट्री सेंटेंस होता है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए और पहला कथन आई हो और दूसरा इसमें ई हो ओ हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइदर का केस वाला, ठीक है। तो वो आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है आई ओ टाइप, दूसरा होता है ए ओ टाइप, और तीसरा होता है आई ई टाइप, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो हो गया, उसका ऑप्शन या तो में जाएगा, या तो एक या दो जो रहता है निष्कर्ष वो सही होगा। आइदर इसको बोलते हैं, आइदर का केस, ध्यान से फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी कब जाएगा, या तो एक या दो, पहला नंबर देखेंगे कि दोनों आपका निष्कर्ष गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष उस केस में आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा चीज ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पे है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल है, गांव नगर यहाँ भी गांव नगर है, ठीक है। और पहला सेंटेंस आई है, दूसरा क्या है आपका, ये क्या है, कोई नहीं, यानी ई आई ई, आई ई के केस में आपका आइदर जाएगा, क्या जाएगा, आइदर, या तो आइदर का केस तब बनेगा, या तो आई ओ हो, आई ओ, ओ मतलब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, या ओ मतलब कुछ नहीं, मतलब पहला आपका कुछ दूसरा कुछ नहीं, पहला आपका सही दूसरा कुछ नहीं, पहला आपका कुछ और ई मतलब कोई नहीं, ऐसा सेंटेंस हो, नहीं लगा हो, और आई ओ ए ओ या आई ई टाइप का सेंटेंस आ जाए, तो उसमें हम आइदर का ही ऑप्शन मारेंगे, क्या मारेंगे, आइदर, ठीक है। तो याद रखना है वो उस केस में दोनों कथन आपका गलत होगा, और ये कंप्लीमेंट्री है, ये दोनों होना चाहिए उसके आपके निष्कर्ष में। अगर आपको ये दोनों दिख जाए, आई ओ या ए ओ या आई ई टाइप आना ही, तो एक बात बोलें, ध्यान देना, बस दो चीज़ ध्यान देना, अगर निष्कर्ष दोनों गलत हो गया, कुछ गांव, ठीक है, और एक में पॉजिटिव हो एक में निगेटिव रहे, तो उसमें आइदर केस ही मार दीजिएगा, या दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए आंख बंद करके आप ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, 99.5% केस में आपका सही जाएगा। अगर आपको ये भूल गए या याद नहीं रहा तब, ठीक है, चैप्टर का क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, अपने आप आएगा वो, अपने आएगा जब बनाइएगा कि किस केस में सी वाला है आपको फंसाता है, और फंसाएगा क्या, डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लो मिल रहा है, एक में पॉजिटिव सेंस में है एक में नहीं लग गया, बस समझ जाओ वो आपका जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, सिर्फ हमको बताने से नहीं होगा, शुरू कीजिए। अब जो है तीन ऑप्शन वाला देखिए, तीन कथन वाला जो है, ठीक है, तीन कथन वाला रहेगा, चारों कथन दिया रह सकता है, आगे का चैप्टर देखते हैं। टाइप वन आपका हो गया है, आप लोग खुद बनाइएगा। अब देखिए हम जो है टाइप थ्री पे आते हैं, टाइप टू पे आते हैं, जिसमें थ्री स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहता है।
बैंकिंग का जो भी तैयारी करने का सोचे हैं या बाद में करेंगे तो वो लोग अच्छे से समझिए, और घर पे जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो आप बनाइए, जो दिक्कत होता है आप क्लास में पूछिए, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन है आपको दिक्कत हो रहा है सिलोगिज्म का, क्लास में पूछिए, हम आपको डील करेंगे। हैं, अब देते हैं कुछ क्वेश्चन, ये लिख लो, ये लिख लो, आयदर का केस, आयदर का केस लिखिए। ये क्या बोलिए, हाँ क्या हुआ, नीचे वाला सही लग रहा है आपको, कैसे सही है, पहले ही बता दिए, जब कुछ कुछ है तो नोट कंक्लूजन, और दोनों में से लिया है गांव और नगर दोनों, तो आपका निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, तो सही कैसे हो गया। आप वेन डायग्राम से ही देख लीजिए, कुछ शहर क्या है, नगर है, देखिए यही तो आप फंस जाते हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम से आप बनाए होंगे लगता है, नहीं वेन डायग्राम से बनाए, आपको बोले ना फंसा देगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपका सब क्वेश्चन नहीं बन, वो भी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। हमको दीजिएगा तो हम कैसा भी क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम से बना देंगे, लेकिन आपसे नहीं बनेगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। शहर नगर है, क्या बोला, कुछ शहर नगर है, कुछ गांव शहर है, कुछ गांव क्या है, अब है कम से कम कुछ गांव नगर है, कैसे बोलिएगा, गांव नगर है नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं, ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये जो था ये आपका कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि गांव नगर नहीं है, ठीक है। हो सकता था आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला, देखो कथन क्या बोला, कथन देखो इस डायग्राम को भी सही करेगा, कुछ गांव कुछ शहर नगर है, कुछ शहर नगर है, कुछ गांव शहर है, कुछ गांव को शहर बना दी, लेकिन नगर शहर है ये तो नहीं बोला, वेन डायग्राम में हमने ये भी टच कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि आपका गांव नगर हो जाएगा, तो कोई गांव नगर नहीं आप ये कन्फर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अभी आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें, बता दे रहे, आप जो है दोनों विधि पढ़ करके जाइए, टेबल विधि से, टेबल विधि से आसानी से बन गया ना, दोनों गलत हो गया नहीं, आप इसको 100% नहीं कर सकते ना, कोई गांव नगर नहीं है, हो सकता है ये शहर गांव भी होगा, और हो सकता है इसमें टच कर गया होगा, टच करके भी तो बना सकते हैं, ये तो कहीं नहीं लिखा कि गांव नगर नहीं है, सिर्फ ये बोला कि शहर गांव है कुछ, और जो है हाँ, और शहर क्या बोला क्वेश्चन में, कुछ शहर नगर है, और बोला कुछ गांव शहर है, तो ये तो नहीं बोला कि गांव नगर नहीं है, ये बोलता तब ना हम कन्फर्म करते, नहीं बोला, ये तो हो सकता था, संभावना तो है, इसलिए कोई गांव नगर नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। उस केस में तो सिलोगिज्म भी जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा वेन डायग्राम से तो उससे भी बन सकता है, लेकिन उससे अच्छा बहुत अच्छा है आप टेबल विधि का प्रयोग कीजिए, बिना वेन डायग्राम बनाए जो क्वेश्चन आप 2-3 मिनट लगाएंगे ऐसे लगाइएगा, टेबल विधि से देख के रिजल्ट निकाल करके आगे बढ़ जाइएगा, तो वहाँ तो आपको टाइम बचाना है, जितना कम से कम टाइम में जितना हाई स्पीड में आप बना लीजिए, ठीक है। मिटा दे, कोई दिक्कत भी है। अब आयदर वाला केस में तभी तुम लोग नहीं फंसोगे जब प्रैक्टिस करके पूरा चैप्टर जाओगे, अगर घर पे नहीं करोगे तो फंसोगे, वो फंसाएगा तुम। अब टेस्ट दिए उसमें से क्या होगा, सिलोगिज्म बना नहीं बना, किसी से नहीं बना, चूंकि वह क्वेश्चन SBI बैंक PO का था, वह क्वेश्चन SBI बैंक PO का था, ऐसे ही थोड़े कोई बैंक मैनेजर बन जाएगा, इतना आसान पूछेगा तो सब बैंक मैनेजर बन जाएगा ना, रीजनिंग बना के नहीं, तो थोड़ा सा हाँ अब बनेगा आपसे, अब जब हमने टेबल विधि भी बता दिया अब आप बनाइएगा तो अब आपसे बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं, जब आपका कथन में तीन रहे, ठीक है, अब कहोगे इसमें कैसे काटेंगे, आसानी से काटेंगे, ठीक है। क्या है, कुछ जंगल दर्पण है, क्या है, कुछ जंगल दर्पण है, सभी दर्पण मकान है, ठीक है,
अब है सभी मकान, सड़कें हैं, सभी मकान क्या है, सड़कें हैं। अब निष्कर्ष निकालिए, सभी जंगल सड़कें हैं। दूसरा है सभी जंगल मकान हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, सभी कबूतर, आप लोग भी इसको कॉपी में लिखते ही जाइए, बास्केट है, हाँ कुछ बास्केट पेड़ है, बास्केट कर लो। जो लोग क्लास नहीं आएंगे वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो लोग ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं कंपटीशन हब ग्रुप में, वो जल्दी अपना शामिल हो जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं, वीडियो लेक्चर हैं, आपको ग्रुप के माध्यम से भी दिया जाता है। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए 7070634348, नाम एटलीस्ट और बेस्ट टाइम ज़रूर लिख दिया कीजिए, और जुड़ जाइए सभी लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं। एक क्वेश्चन हम बताते हैं फिर आप लोग बनाइएगा, क्या कि ऐसे ही बना लीजिएगा, वेन डायग्राम का यूज कीजिएगा। वेन डायग्राम नहीं करना है, वेन डायग्राम का प्रयोग नहीं करना, वो तो हम जानते हैं, बना लीजिएगा वेन डायग्राम से आप बना लीजिएगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं करना यहाँ। अगर आप वेन डायग्राम का उपयोग कीजिएगा फिर टेबल विधि नहीं सीख पाइएगा। अब कुछ दिन वेन डायग्राम इमरजेंसी के लिए रखिए, जब टेबल विधि नहीं बने तब उसका प्रयोग कीजिए, ठीक है। चलिए अब गौर कीजिए, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट, कट गया, कट गया। पहला का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट, पहला का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट, कट गया। यहां तक इन्हीं कोई दिक्कत भी है? अब गौर कीजिए, सबसे पहले निष्कर्ष देखेंगे क्या लिखा, जंगल और सड़क, क्या है जंगल और सड़क। गौर कीजिए, जंगल कहाँ है यहाँ और सड़क कहाँ है यहाँ, यानी तीनों स्टेटमेंट यूज किया है। तो कुछ सभी आई ए रिजल्ट क्या बनता है, आई, आई ए रिजल्ट क्या बनता है, आई, देख लीजिए आई ए रिजल्ट क्या बनता है, आई, और फिर आई ए रिजल्ट क्या बनता है, आई, यानी ये तीनों मिल के रिजल्ट क्या बनाएगा, कुछ में, यानी इसका रिजल्ट बनेगा निष्कर्ष कुछ जंगल सड़कें हैं। और इसी को उलट करके भी लिख सकते हैं, कुछ सड़कें जंगल हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ निष्कर्ष दिया है इसको छोड़ करके तो वो गलत हो जाएगा। कुछ जंगल सड़कें हैं, सभी यहाँ दिया सभी जंगल सड़कें हैं, इसलिए ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, सभी जंगल मकान हैं। अब देखो यहाँ पे तो आपको यही दोनों से यूज कर लिया,
दर्पण दर्पण जंगल मकान यही है, तो कुछ और सभी, रिजल्ट क्या बनेगा? कुछ में, तो कुछ जंगल मकान है, कुछ जंगल मकान है, इसका रिजल्ट क्या बना? कुछ जंगल मकान है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि कुछ मकान जंगल हैं, कुछ मकान जंगल हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो, दोनों गलत हो। हाँ बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हमने निष्कर्ष ही निकाला, यही निकलेगा ही दोनों का निष्कर्ष, ये तीनों का मिलके ये निष्कर्ष निकलेगा, क्या निकलेगा? कुछ जंगल सरके हैं, और ये दोनों मिलकर के ये रिजल्ट बनाएगा, कुछ जंगल मकान है, और कुछ को आप सभी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सभी को कुछ में कर सकते हैं, अगर बोले सभी, बोले थे ना सभी विद्यार्थी चोर है, हम बोल दिए, ठीक है, सभी विद्यार्थी चोर हैं, तो उसमें से कोई बोलेगा कुछ विद्यार्थी चोर है, तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है, जब हम बोले सभी चोर है तो नहीं, तो सभी में कुछ आ सकता है, 100 रुपया में 50 रुपया इंक्लूड है, लेकिन 50 रुपया में 100 रुपया इंक्लूड है नहीं है, अगर बोले 100% सभी, तो उसमें कुछ आ सकता है, लेकिन कुछ में सभी नहीं आता, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। चलिए अब आप सेकेंड क्वेश्चन बनाइए, लेकिन टेबल विधि से बनाइए, बेन डायग्राम विधि से नहीं, किस विधि से बनाना है आपको? टेबल विधि से। जो लोग बाहर भी रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं, नहीं बहुत स्टूडेंट सब कॉल कर रहा है कि जो बाहर में है वो भी जुड़ना चाहता है ऑनलाइन क्लास से, तो उसमें कुछ नहीं, आपको वीडियो जो भी है, वीडियो मटेरियल आपको भेजते रहेंगे, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए लेकिन कुछ कीजिए, इस धरातल पे आए हैं तो कुछ नाम कीजिए, कम से कम माँ बाप का तो नाम रोशन कीजिए, उनकी इच्छा की पूर्ति कीजिए, माँ बाप आशा लगा के रखा होगा कि मेरा बेटा भी नौकरी में जाए, सबके माँ बाप का आशा होता है, तो कम से कम उनके आशा को पूरा कीजिए। अब वो हम बनाएंगे, आप लोग से नहीं बनेगा, हम बताएंगे कहाँ दिक्कत है, आपका क्या आया निष्कर्ष, क्या आया दोनों? एक पहला सही है, पहला सही है, दूसरा, पहला सही है, दूसरा गलत है, आपको हम वेन डायग्राम से भी क्लियर कर लेते हैं अभी, ठीक है, आप लोग सही बनाए कि नहीं बनाए, सभी कबूतर पेड़ है, सभी कबूतर क्या हैं? पेड़ हैं, ठीक है, सभी कबूतर पेड़ हैं, कुछ पेड़ चैनल है, कुछ पेड़ चैनल, उसके बाद सभी चैनल क्या है? बास्केट। वेन डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा नहीं, इसका मतलब आप लोग वेन डायग्राम बनाए हैं, चलो तुम लोग को बोलने के बाद भी जो है चुपचाप कर लेगा, रिजल्ट बता देगा, क्योंकि टेबल वाला तभी समझ में अच्छे से आया नहीं होगा, आएगा कैसे जब घर पे आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ये इतना आसान नहीं है, 200-400 क्वेश्चन बना लेना इस पर, कुछ बास्केट पेड़ है, अब देखिए तो कुछ बास्केट पेड़ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आ कुछ चैनल कबूतर है, कुछ चैनल कबूतर है या नहीं आप कन्फर्म नहीं बोल सकते, इसलिए वो क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब टेबल विधि से पेड़ पेड़ काट लीजिए, चैनल चैनल काट लीजिए, बास्केट और पेड़, बास्केट देखिए कहाँ है, बास्केट यहाँ और पेड़ यहाँ, तो यही दोनों का यूज करेंगे, आई ए रिजल्ट आई में बनेगा, तो कुछ पेड़ बास्केट है, कुछ पेड़ बास्केट है, तो कुछ बास्केट पेड़ है भी बोल सकते हैं, ये दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा? आई ए बताए आई में, और ये कट गया तो पेड़ तो रहेगा ही, तो इसका रिजल्ट वास्तव में बना क्या? कुछ पेड़ बास्केट है, कुछ पेड़ बास्केट है, तो इसी को उलट करके भी हम लिख सकते हैं कुछ बास्केट पेड़ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया, कुछ चैनल कबूतर है, ठीक है, अब देखिए चैनल देखिए यहाँ है, कबूतर यहाँ, पेड़ पेड़ कट गया, ए आई बताइए रिजल्ट बनता है, ए आई नॉट कंक्लूजन, ए आई नॉट कंक्लूजन, देखिए आप टेबल लिखाए हैं, सभी और कुछ नहीं का रिजल्ट नहीं बनता, ए आई कुछ सभी और कुछ का रिजल्ट नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड में होगा, ठीक है, तो नॉट कंक्लूजन गलत हो गया,
तो आप टेबल विधि से भी बनाए फिर भी वही रिजल्ट आएगा, और अगर आप वेन डायग्राम से बनाइएगा फिर भी वही रिजल्ट आएगा। क्या दोनों विधि से आप बना सकते हैं? टेबल विधि से बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टेबल याद रखना पड़ता है, और उसको आप जो है घर पे बैठ के याद नहीं कीजिए, रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जब क्वेश्चन में जो टेबल का उपयोग आएगा उसको पीछे जा कर के देख लेना है। ऐसे याद रखिए, सभी सभी क्या रिजल्ट बनेगा? सभी सभी। और कुछ रिजल्ट बनेगा? कुछ नहीं। कुछ और सभी बनेगा? बनेगा कुछ में। किस में बनेगा? कुछ में। आई आई नोट डिफाइन नोट कंक्लूजन, ठीक है। तो मेनली यही तीन चार ही ज़्यादा प्रयोग होगा, ठीक है। मेनली जो है आपको यही आपका ज़्यादा प्रयोग होगा, और भी प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा आप याद करके अपना रखिए, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। और जो लोग बैंकिंग करते हैं वो तो याद करके रखते ही हैं, आप लोग एसएससी जो लोग करेंगे तो वो आप वेन डायग्राम से भी बना लीजिएगा, आपको नहीं फंसाएगा, ठीक है। एसएससी का लेवल लॉ होता है, बैंकिंग का लेवल थोड़ा सा रीजनिंग का टफ है, तो उसमें आप फंसिएगा। तो जो बैंकिंग करेंगे वो तो एकदम याद कर लीजिएगा, बाकी लोग नहीं भी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वेन डायग्राम जिंदाबाद है, वेन डायग्राम प्रयोग कीजिए, बनने को होगा बनेगा, नहीं बनने का होगा तो छोड़िए, क्या कीजिएगा। हाँ कुछ चैनल कबूतर है, हाँ कुछ आ सकता है सभी में। कहाँ पे लिखा हुआ है सभी कबूतर चैनल? तो ये दोनों मिला करके रिजल्ट बना, ए आई नोट कंक्लूजन बता दिया ना, ये दोनों मिलकर रिजल्ट ही नहीं बनेगा। अरे देख ये चैनल तो जिन ये दोनों में काटेगा, सिर्फ पेड़े कटेगा ना, अगर ये दोनों का यूज करेगा तो एक का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट कटा, और बताए पहला ए हो दूसरा आई हो नोट डिफाइंड, तो ये दोनों मिला तुम रिजल्ट कैसे बना दिया? ये कबूतर और चैनल का है ना रिजल्ट, तो एक में कबूतर है यहाँ, ये तो पेड़ कट ही गया, कबूतर और चैनल में रिजल्ट ही नहीं बनेगा दोनों को सेंटेंस मिला के, चूँकि ए आई नोट कंक्लूजन। समझा नहीं समझा? समझ गया ये मान नोट कंक्लूजन, तुम्हारा स्लो प्रोसेसर है उसमें जो है ना i7 लगा, ठीक है, बहुत स्लो से समझता है, इसका प्रोसेसर पेंटियम 4A चल रहा है अभी, अभी तुम्हारा जो है ना पेंटियम 4A में है, ये सब का i3 पे है, और कुछ लोग का i7 चल रहा है, अपना अपना प्रोसेसर बढ़ा, अब बढ़ेगा कैसे? प्रैक्टिस कर, मेहनत कर, ठीक है, उससे भी नहीं हो तो बादाम खाओ, बादाम कच्चा बादाम नहीं मिटा दें, वो बादाम मतलब मूंगफली नहीं समझ जाना, बिहार में बादाम मतलब मूंगफली होता है, वो नहीं, वो खाओगे वो बीमारी होगा, हाँ कठ बादाम जिसको बोलते हो वो खाओ। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि न्यूरॉन्स होता है ब्रेन में, ठीक है, तो न्यूरॉन्स कम रहेगा तो कम एक्टिव रहता है, वो जल्दी नहीं समझता है, और न्यूरॉन्स ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा जल्दी से आपको ब्रेन में जाता है। तो खाओ आराम से बादाम खाओ, साफ दिमाग चट्टान हो गया है, तब गुद्दा है ही नहीं चट्टान बना लिए हो, रिफ्लेक्ट कर देते हो, तो वैसे लोग जो है कुछ कीजिए, उपाय कीजिए, ब्रेन को तेज कीजिए। और ब्रेन तेज दो कंडीशन में हो सकता है, आप जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ठीक है, जो कमज़ोर भी है ना वो तेज़ हो जाते हैं, हमने देखा है, अगर वो लगातार मेहनत करते हैं तो उनका दिमाग भी चलने लगता है, ठीक है, हाँ स्पीड पकड़ लेता है। आज जो साफ स्लो है एकदम छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई दुनिया नहीं, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। बहुत लोग होता है ना कि अब दूसरे दुनिया में खोया हुआ है, तो वो लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरा दुनिया का बात सोच रहा है, जो इस दुनिया में है और मेहनत कीजिएगा उनको समझ लगेगा। इसमें से कुछ लोग हैं जो दूसरे दुनिया में खोए रहते हैं, तो वो जो है मिथ्या है, सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, यही आपको ज़िंदगी में कुछ मदद करने वाला है, बाकी अकेले आए हो अकेले जाओगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कीजिए।
एक दो क्वेश्चन दें, टाइम भी ऐसे आप लोग का हो ही गया है, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपका रिजल्ट बने को ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला, फिर भी नहीं बना पाओगे ना। अच्छा सी नंबर बोल ही दिए पहले ही, बोलते नहीं तब तुम लोग दिमाग लगाता। चलो लेकिन दो क्वेश्चन देंगे, ये तो नहीं पता हुआ किसका सी है नहीं। चलो दो तीन क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें तो नहीं पता चला कि कौन क्वेश्चन का हम सी बोले, एक देंगे तब ना पता चलेगा। हैं, अच्छी बात है ना, बना दो, अच्छी बात है, दोनों में सी ए मार देगा नहीं।